आज का इस वीडियो में बताने वाले हैं, एक स्पीकर है जो कि हम रिपेयर करेंगे, जो कि स्पीकर मेरा फूक गया है। तो ये रहा पुराना वाला कॉयल है ये, और ये देखिए यहाँ पर कॉयल जला हुआ है, तो हम इस पर दूसरा कॉयल डालेंगे। तो कॉयल डालने से पहले हमको इसको अच्छा से साफ़ कर लेना होगा, अगर इसमें अगर लगा होगा तो इसको भी अच्छा से पूरा क्लियरली साफ कर लेंगे, फिर ग्लू चपकेगा। तो हमको साटने के लिए फेविबॉन्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रहा मेरा स्पीकर का पर्दा, वो ये पर्दा ही बोलते हैं इसको। और ये रहा स्पाइडर, ये रहा डस्ट कवर, इसको डस्ट कवर बोलते हैं, इसको डस्ट कवर। ये रहा मेरा वॉइस कॉल। तो चलिए इसको कितना बार फिटिंग करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो वीडियो में आपको पूरा देखिएगा, लास्ट तक बताएंगे। कोशिश करेंगे जितना कम टाइम हो ज़्यादा समझा, जितना अच्छा बनाकर आपको हम दिखाएं। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, टेस्टिंग भी आपको हम कराएंगे। तो इसको ऐसे ही सेलेस कैगर लगा के भी थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, क्या कि जो जला हुआ है, जो पकड़े हुए रहेगा तो वही घिसिर घिसिर करके तो आवाज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको कोशिश करेंगे जितना बेटर से हो साफ़ कर ले। इतना करने के बाद इसमें पेपर डाल के भी अच्छा से क्लियर कर लेंगे। तो वॉइस कॉल डालने से पहले इसको हमको पेपर को कटिंग कर लेना होगा थोड़ा सा, क्या साइड साइड से लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्या मतलब सही से बैठ नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमको दो तीन पत्ती ऐसा अच्छा सा बना लेना होगा, ताकि मेरा वॉइस कॉल अच्छा से फिटिंग रहे, ताकि उसमें स्पाइडर लगाए या कौन लगाए तो मेरा वॉइस कॉल दबना नहीं चाहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोशिश कर रहे हैं जितना शॉर्ट हो उतना बना कर दें, आधा देखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्या कि फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ऐसा ऐसे बैठेगा नहीं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसको हमको इस तरीके से बैठा देना। इस तरीके से बैठा दिया, अब इसको हम वॉइस कॉल को बैठा देंगे। तो वॉइस कॉल को हमको कैसे बैठाना है, इस साइड जिस साइड स्पीकर का वायर निकालना है उस साइड हमको बैठाना है। ऐसा चीज़ को ध्यान देना पड़ता है, छोटा चीज़ है बट ध्यान देना पड़ता है। तो वॉइस कॉल को हम बैठा लेते हैं अच्छा से, लग रहा है ज़्यादा टाइट हो गया तो इसको हम निकाल के पतला कर लेते थोड़ा सा, ये अपना अनुमान से लगाना पड़ता है। तो इसको हम बैठा रहे हैं, हल्का सा ऊपर रखना है बस, ज्यादा नहीं। चारों तरफ से सेम होना चाहिए। तो इतना हम बाहर रहने देते हैं, फिर वॉइस कॉइल थोड़ा सा हल्का इधर ये बैठा हुआ है, ठीक है, इतना हम इसको बाहर रहने देते हैं। तो इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, ताकि मेरा ये टूटना नहीं, टूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसको ऐसे हम बैठा देंगे, तो पहले हम इसमें ये नीचे भी साट देंगे, उसके बाद इसमें भी लगाएंगे। तो चलिए इसको हम चपका दिए अच्छा से दोनों तरफ बैठा के, जब तक ये अच्छा से नहीं बैठेगा फिर मज़ा नहीं आएगा। इसमें हम कॉन भी चपका लेते हैं, जो पर्दा बोलते हैं इसको, इसको भी चपका लेते हैं, क्योंकि ये साथ ही फिटिंग हो जाएगा, फिर सूखने के लिए इसको डाल देंगे। ये हवा में प्रॉपर ज़्यादा जल्दी सेटिंग करता है, ठीक है, ताकि इस ग्लू को हम अभी देखें, हवा में प्रॉपर बहुत अच्छा जल्दी सेटिंग करता है। इससे क्या होगा, इसमें भी चपका देना और उसमें भी चपका देना, इससे क्या होगा सी ये फास्ट मतलब ज़्यादा अच्छा काम करेगा, वर्क करेगा।
जल्दी इसको फटाफट इसमें भी मिला देते हैं। देख ही रहे हैं कितना जल्दी ये सूख जा रहा है। इसको जल्दी करके नहीं मारेंगे तो ये फिर सब नहीं दिखेगा। बिना इंतजार किए फटाफट इसको हम चिपका देते हैं। इसको ऐसे से पकड़ के चिपकाना पड़ता है क्योंकि ये ये हो गया। इसको हम यहाँ से ग्लू स्टार मार देते हैं ताकि ये भी अपना सूखते रहे। आप एरोलाइट भी मार सकते हैं अपना सुविधा के हिसाब से। हम इसको इसी में 8 इंची काफ़ी है इसमें, ये ऐसा से पकड़ लेता है। तो इसको हवा में रख देते हैं सूखने के लिए ताकि जितना जल्दी सूख जाएगा फिर आपको हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे। धूप अगर रहे तो वो भी जल्दी, धूप और हवा जल्दी रहे तो जल्दी सेटिंग करता है, नहीं तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलिए इसको हम धूप में रखते हैं। धूप में तो है ना अभी बारिश का मौसम में, तो फिर इसको हम हवा में डाल देते हैं, सूखता है फिर आपको हम प्ले करके दिखाएं। तो इसको जो है हम इसके सामने होल्ड कर लेंगे, ठीक है, ताकि कैप के ढक्कन अंदर ही रहे। सूख गया है बट हम इसको बजाने के लिए आपको हम रेडी करके फिर टेस्ट करा देते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो सही नहीं होगा। यहाँ पर कम्प्लीटली सोल्डिंग करके इसको थोड़ा सा वायर को भी चिपका दिए ताकि जब ये वाइब्रेट करे तो वायर मेरा टूटना नहीं चाहिए। तो इसको अच्छा से यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्लूज लगा देना है, ठीक है, और अंदर से हम तार निकाल दिए सोल्डिंग करके, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको भी कर लेना, बस अब डस्ट कवर लगा के इसको कवर कर देते हैं। कम्प्लीटली लगा दिए, चिपका दिए इसको, मेरा स्पीकर कम्प्लीट रेडी हो गया। तो इसको थोड़ा देर के बाद हम टेस्ट करेंगे प्लाई, इसको चिपकने देते हैं कवर को।